दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मतलब मेरा सारा काम उम हो चुका है, यहाँ पे मैं आ गई हूँ, पूजा वूजा सब मतलब सब कर चुकी हूँ, आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रख दे रही हूँ चाय, और चाय रखने से पहले जो मलाई था ना टोप में, तो मैं निकाल दी, तो उसी में हमेशा ना जो दूध वाला टोप रहता उसी में चाय रख देती हूँ। अब कौन चले चार चार बर्तन करे, तो मैं हमेशा उसी में चाय रख देती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं सुबह ही आलू उबाल के रख दी थी, और थोड़ी सी लाई भूज ली हूँ जिसे मुरमुरे कहते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मूँगफली भूज ली हूँ। आज प्रिंसी का मन है लाई और आलू खाने का, मतलब आलू और लाई खाने का मन है। ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, अच्छा भी आता है, चटपटा रहता है और बहुत ही टेस्टी आता है। तो यहाँ पे देखिए, जो आलू उबला था ना, तो इसे सुबह ही उबाल के रख दी थी, क्योंकि ये आलू थोड़ा सा हल्का सा मतलब जैसे कड़ा रहता ना तभी अच्छा आता है। तो मैं आलू को हाथ से फोड़ ली हूँ, और एक तरफ लाई भी भूज के रख दी। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ कढ़ाई में तेल, और बस इसमें कुछ नहीं, कोई मर मसाले या कुछ भी नहीं पड़ता है। यहाँ पे बस मैं ले रही हूँ मर्चा, मेरे पास हरा मर्चा नहीं ना इस समय ख़त्म हो गया, तो लाल मर्चा था तो मैं वही ले रही हूँ। और इसमें डालूंगी कोहड़ौरी, जो कोहड़ौरी बनती है ना हमारे यहाँ, सबके यहाँ बनती होगी, मतलब गाँव घर में अक्सर बनती। तो ये देखिए, कोहड़ौरी को मैं इसमें तोड़ के डाल दे रही हूँ, और इसमें डाल दे रही हूँ मर्चा। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं आलू डाल दूंगी, और आलू को भी खूब अच्छे से गोल्डन होने तक इसमें फ्राई करूंगी, जैसे आलू काफ़ी अच्छे से ऊपर नीचे से हो जाएगा ना। और ये आलू ना मतलब चक्कू से नहीं काटती मैं, हमेशा बस फोड़ देती हूँ। फोड़ने से क्या रहता ना, आलू थोड़ा कहीं कहीं मोटा पतला रहता, तो लाई के साथ अच्छे से मिल जाता है। ये देखिए, जो थोड़े बड़े बड़े आलू है तो उसे भी मैं तोड़ दे रही हूँ, और इसे अच्छे से मैं फ्राई कर लूंगी। जब आलू मेरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तो इसमें मैं डाल दूंगी नमक और मूंगफली, और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ती काट के। नाश्ता ना बहुत ही टेस्टी आता, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। बस आलू उबाल के रखना है, बाकी इसमें कोई भी झंझट नहीं है। और ये देखिए, मेरा खूब अच्छे से फ्राई हुआ, कढ़ाई में काफी अच्छे से नीचे आलू लग गए थे ना, तो खूब अच्छे से मतलब हो गया है। अब बस इसी में जो ये लाई भूज के रखी थी ना, बस इसे डाल दूंगी। अगर लाई कुरकुरी होगी तो वो भी चलता है, लेकिन मैं हल्का सा कढ़ाई में से रोस्ट कर लेती हूँ। बस इसे अब मिला के ऐसे तुरंत दे देना, अगर रख दूंगी ना तो लाई नरम हो जाती, फिर ये टेस्ट नहीं रहता है। ये देखिए, बस मैं इसे अच्छे से मिला के प्लेट में निकाल दे रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता आता है, आप लोग भी बना के ट्राई करना। अब मेरे पास जैसे कभी मूँगफली नहीं है, जैसे कभी चना भिगोई हूँ, मटर भिगोई हूँ, तो मैं वो भी डाल के बना देती हूँ। ये देखिए, इनको सबको मैं प्रिंसी को दे दी हूँ, और मम्मी को भी ले जा रही हूँ, दे दे रही हूँ। ये देखिए, और सीमांश नहीं खाया क्योंकि उसका पेट ना आज नहीं सही, उसको पता नहीं कि उसका पेट में हल्का सा दर्द है, तो नहीं खाएगा। तो उतना आलू मैं नहीं फ्राई करी थी, उतना आलू रख दी, तो उसी आलू की मैं देखूंगी दोपहर में आलू टमाटर की सब्जी बना दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मेरी चाय भी बन गई, मैं चलूंगी अब चाय मम्मी को भी दे दूंगी, मैं भी ले लूँ, क्योंकि मम्मी भी पूजा वूजा करके बैठी हैं, उनका भी मतलब सब हो गया, वो भी नहा वहा धो चुकी हैं, पूजा वूजा कर ली हैं, तो उन्हें भी दे दूंगी नाश्ता, और हम लोग भी कर लेंगे नाश्ता। तो फिर उसके बाद मैं आराम से काम, अभी तो काम तो भी खैर बहुत है, बस अभी सुबह का बस जैसे झाड़ू पोछा बर्तन पूजा नहाना धोना बस इतना ही हुआ है। और आज जितना मतलब तीनों चारों कमरा था ना, सबका मैं अच्छे से साफ सफाई करी हूँ, सबका बिस्तर उस्तर सब चेंज कर दी हूँ। तो देखिए, मम्मी को भी दे दी थी नाश्ता, मम्मी भी नाश्ता कर रही हैं, और उन्हें चाय भी दे दी। तो फिर मैं चली गई थी सिवांश के पास पूछने के लिए कि सिवांश बेटा वहाँ पेट कैसा, तो कहा हम नहीं खाएंगे नाश्ता, तो मैं कही कि कुछ और खा लो का मन हो, तो कहा नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बस यह देखिए, मैं अभी नाश्ता कर ले रही हूँ, फिर नाश्ता करने के बाद मैं और काम में लगूंगी। आइए, आप सब भी नाश्ता कर लीजिए गरम गरम। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद यहाँ पे मम्मी कहीं गेहूं था आटा पिसाना था, तो मम्मी कहीं यहाँ ही धूप आती है आंगन में डाल दो, क्योंकि गेहूं सूखा है, फिर भी हल्का सा होता है, थोड़ा सा आँच लग जाए धूप की ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं वही डाल दे रही, तो मम्मी मुझे अकेले नहीं उठाने देती हैं कोई भी चीज़, क्योंकि मेरा अभी मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, अभी साल भर भी नहीं हुआ, मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए मम्मी मुझे कोई चीज़ उठाने नहीं देती हैं वजन, तो भी साथ साथ में लगी रहती हैं कि तुम मत वजन उठाओ। तो यहाँ पे देखिए, मैं गेहूँ फैला दी, मम्मी उतना जो एक बोरी का गेहूँ रखा है ना, तो मम्मी उसको झटकेंगी। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सिवांश का हल्का हल्का पेट दर्द कर रहा था ना, उसे मैं दे दूंगी नींबू का पानी। और जैसे पेट में गैस है, दर्द है, या फिर अपच टाइप का, या फिर पेट फूला है, तो पानी बहुत ही अच्छा रहता है। और कुछ नहीं करना, बस जो कल मैं जीरा और काला नमक पीस के रखी थी ना, बस वो ले लेती हूँ, इसी में नींबू निचोड़ देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसका बीज निकाल के इसमें नींबू निचोड़ दूंगी, वही काला नमक डाल दूंगी इसमें,
जो पीसा हुआ रखा था अगर फंकी रहती इसके साथ ना फंकी और भी अच्छा रहता है। ये देखिए बस इतना सा मैं नमक डाल दूँ और इसी में मैं डाल दूँ गर्म पानी। ऐसे जैसे चाय पीते हैं ना चुस्की ले लेके उसी तरह से इसे पिए जाओ तो जितनी भी कैसी भी गैस होती है पेट में ये बहुत आराम मतलब एकदम रामबाण उपाय है। अगर आप लोग को भी कभी कोई दिक्कत हो ना तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करना। तो यहाँ देखिए सिवांश को पानी उनी देने के बाद फिर मैं आ गई थी। आज मुझे फ्रिज भी साफ करना क्योंकि फ्रिज में काफ़ी दिन हो गई थी साफ करे। गंदा तो खैर उतना क्योंकि मेरी आदत में हमेशा पोछे जाते हैं लेकिन फिर भी एक बार ये होता ना जैसे अच्छे से साबुन से सब इसका जो भी अंदर का सब बर्तन रहता है ना जो इसका प्लेट व्लेट तो अच्छे से साबुन से साफ कर दो तो थोड़ा चमक आ जाती है। तो बस वही सब करूँगी। जो फ्रिज के ऊपर मैं कवर डाली थी ना तो इसे भी मैं धुल दूँगी। अरे देखिए ये भी कवर मैं अपने हाथ से ही बनाई हूँ तो इसे भी धुल दूँगी। इसी में देखा मुझे 20 रुपया मिला। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे पहले सब धो के रख दूंगी तो उसके बाद मैं चलूंगी फ्रिज पोछूंगी क्योंकि जब तक इसे ये सूखता रहेगा ना तो मेरा फ्रिज भी साफ हो जाएगा। मम्मी वहाँ पे देखिए गेहूँ झटक रही हैं जो एक बोरी का रखा था। तो यहाँ पे एक दिन मैं और मम्मी मिलके गेहूँ धुले थे ना कम से कम 60-70 करीब के करीब मतलब किलो के करीब गेहूँ था। तो मम्मी सब झटक के इसी डब्बा में भर भर के रख दें क्योंकि डब्बा में भर के रखा रहता है तो गेहूँ काफी कड़ा रहता है। कभी जैसे पानी बरस रहा है कुछ दिक्कत हो रही तो डब्बे का गेहूँ तुरंत दे देते हैं तो पीस देते हैं मतलब मुलायम नहीं रहता है गेहूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से नाश्ता के बर्तन थे इसी इलाके में इसे भी धो ले रही। जो चाय भी बनाई थी ना तो ये सब बर्तन है तो इसी इलाके इसे भी धो ले रही। फ्रिज का ही मेरा देखिए सब हो जाए तो मैं चलूंगी फ्रिज साफ करूंगी। और आज ढेर सारा कपड़ा भी क्योंकि मैं सब कमरा जितना था ना सबका चादर है और जो एक अभी कुछ दिन मतलब 10 दिन पहले थोड़ा सा मौसम ठंडा था तो फिर से मैं कम्बल उम्बल जो पतला वाला सिंगल बेड का कम्बल होता था उसे निकाल दी थी। तो आज सब धुल दूँ क्योंकि अब तो कोई ओढ़ता है नहीं तो झूठे पड़े पड़े गंदे ही हो रहा। गंदा तो खैर वैसे भी है लेकिन अब एक बार धो के सब बिस्तर हटा दूँ क्योंकि बिस्तर ज़्यादा यहाँ वहाँ पड़ा रहता ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं जब तक लगा दूंगी मशीन में पाइप अभी लाइट तो खैर नहीं आई लेकिन मैं कई जब से इसमें पानी लगा दूंगी पानी इसमें भरता रहेगा तब तक मैं यहाँ पे देखिए फ्रिज साफ कर ले रही हूँ अच्छे से। और बस सादे पानी से ना मैं इसे कपड़ा लेके अच्छे से पोछ ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ्रिज पूरा अच्छे से पोछने वोछने के बाद इसका जो ये सब प्लेट था ना ये भी सब सूख गया था इसे मैं सब लगा दे रही हूँ फ्रिज में। और जो भी सब्जी तो अब खत्म हो गई थी सब बस थोड़ी सी सब्जी थी सब्जी थोड़ी सी क्या बस वो एक दो टमाटर रह गए थे। अब शाम को ये जब आने लगेंगे तो फिर सब्जी वब्जी सब ले आएंगे तो फिर मैं इसमें रख दूंगी। और थोड़ी सी बस धनिया पत्ती थी वो भी सब साफ उफ करके मैं इसी में रख दी थी। और बाकी देखिए इसका सब पार्ट उट लगा के फिर मैं अब चलूंगी कपड़ा की तरफ क्योंकि अभी कपड़ा भी बहुत है। और खाना में तो बस वही जो आलू बचा था ना तो उसी की सब्जी बना दूंगी और थोड़ा सा चावल डाल दूंगी रोटी सेक दूँ। तो यहाँ पे देखिए जो दूध उध था ना सब मैं इसमें रख दे रही हूँ थोड़ी सी मलाई जो निकाले जाती हूँ उसे भी रख दूँ। इस टिफिन में ना 2 टिफिन में धनिया पत्ती थी तो एक टिफिन का तो सूख गया था लेकिन इस टिफिन का काफ़ी सही था। तो बाकी जो भी खराब चीज़ है ना इसमें से और 2-3 थैली में आम रखा था। एक दिन दुकान से कैरी ले आए थे ना दाल उल में डालने के लिए तो फिर मैं कैरी क्योंकि मम्मी आम उम डाल देती तो ज़्यादा खट्टी हो जाती ना दाल नहीं पसंद करती हैं तो इसी चक्कर में ना मैं डालती नहीं थी टमाटर भर डाल के दाल बना। और ये देखिए मेरी फ्रिज कितनी अच्छी साफ हो गई है एकदम चमक गई है। और यहाँ पे फ्रिज साफ करते हैं मतलब कपड़ा वपड़ा मेरा सब धुल गया था मतलब सब काम हो गया कपड़ा वाला काम मेरा पूरा हो गया था। तो इसी में मतलब देखिए मैं इसे भी साबुन से अच्छे साफ कर ले रही क्योंकि हमेशा पानी उनी गिरते रहता ना तो इसमें पानी का बहुत दाग पड़ गया था। पोछती हूँ ना लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इसे पानी का ढेर सारा दाग लग रहा था मुझे बहुत खराब लग रहा था। मैं कहीं इसी लाके इसे भी कर दूँ साफ तो साबुन से मैं ये मतलब जो स्क्रब ली हूँ ना बहुत नरम स्क्रब इससे बिल्कुल भी स्क्रेच नहीं पड़ेगा वॉशिंग मशीन पे तो इसीलिए मैं इससे कर ले रही। कभी इससे कर लेती या फिर कभी जैसे कोई कपड़ा रुमाल उमाल रहता ना तो उस पर भी साबुन लगा कर ले तो इसमें स्क्रेच नहीं पड़ता है। आप किचन में मैं चावल डाली थी तो वो भी मेरी 2 सीटी बज गई थी तो कहीं उसे बंद करे आऊँ नहीं तो 3 सीटी हो जाए चावल ज़्यादा गल जाते हैं। तो देखिए इसे पूरा साबुन से साफ कर ली तो इसमें मैं डाली थी कम्बल मेरा वो भी ड्राई हो गया तो इसे मैं निकाल दे रही हूँ कम्बल इसमें से। और फिर इसे मैं पूरा पानी से अच्छे से धो लूँगा। देखिए सिवांश प्रिंसी का रह गया था कपड़ा तो अब ये कपड़ा आज नहीं साफ करूँगी क्योंकि इन्हीं सब 2 जन का कपड़ा रह गया था। अब इसे जब मैं कल फिर कपड़ा उपड़ा साफ करने लगूंगी तो उसी में डाल दूंगी। तो देखिए पूरा मैं पानी से इसे अच्छे से धो ले रही हूँ। और पानी से धोई थी ना फिर भी सूखने के बाद जैसे वाइट वाइट लग रहा था तो इसे फिर मैं 2 पानी से धोई थी। तो यहाँ पे देखिए मम्मी भी आ गई मम्मी कह रही थी एकदम साफ हो गई है
जो कि मैं हमेशा करे जाती हूँ, लेकिन फिर भी हमेशा पानी का दाग ना इस पर पड़े ही चला जाता है। तो देखिए इसका ढक्कन था, इसे भी साफ कर लूंगी अच्छे से। और आज ये जो पीछे का गेट है ना, तो सीवान जब वॉशिंग मशीन का जो पानी निकलता है तो पाइप उस तब नीचे कर दिया था, वहाँ पे पूरा गेट के पास देखिए पूरा पानी लग गया था। तो आज चलूंगी वहाँ का भी मैं साफ कर दूंगी इसी लागे, ये देखिए। और ये सब काम करते करते ना मुझे 11 बज गए थे। और कितना भी काम, मतलब जैसे काम कितना भी करे जानो कम होने का नाम ही नहीं लेता, एक काम करो तो 10 काम रह जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन के पीछे ना थोड़ा बहुत कचरा रह गया था, झाड़ू उड़ू तो मैं हमेशा मारती हूँ, लेकिन अब वॉशिंग मशीन जब रखी रहती ना तो ये तक वहां से कौन सरकाए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ का भी मैं अच्छे से धो लूंगी पानी से, यहाँ पे धोने के बाद फिर यहाँ का पानी से वाइपर खींच लूंगी, मतलब वाइपर से पूरा पानी खींचने के बाद यहाँ पे मैं सरका दूंगी वॉशिंग मशीन को, फिर नीचे का भी धो दूंगी। और जितने भी कपड़ा था ना मैं सब यहाँ पे डाल दी, बाकी जो बड़े बड़े कपड़ा है इसे सब मैं ले जाऊंगी छत पे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कपड़ा कहाँ कहाँ डालूंगी, पूरा आंगन में नहीं अच्छा लगता, पूरा फैला रहता, मुझे फैला रहता ना कोई चीज नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए इसका प्लग व्लग सब मैं निकाल दे, खोल लूंगी पीछे का गेट। और पीछे का गेट खोलने के बाद ना फिर मैं यहाँ का भी पूरा अच्छे से झाड़ू मार दूंगी पानी से, क्योंकि नीचे भी काफी कचरा है। तो जो एक डब्बा है ना तो इसमें एक कचरा रखती हूँ, एक बाल्टी में जो जूठा उठा रहता है वो डाल देती हूँ। देखिए दरवाजे पे भी धूल बैठी थी, इसी लागे मैं वहां पे भी कर दे रही हूँ पानी। तो यहाँ का मैं अच्छे से धो लूंगी। जो पीछे का गेट है ना एक तरफ से एसी का काम करता है, मतलब पहले जब हम लोग की लाइट यहाँ बहुत लाइट खराब होती है ना तो बिगड़ जाती है, तो हम लोग एक गेट खोल के यहाँ पे बैठते थे, बहुत अच्छी है। देखिए आप लोग देखते हो कितनी तेज हवा यहाँ से आ रही है, क्योंकि सामने पूरा खुला है। ये तो अब पंचायत भवन बन गया है ना, मतलब पंचायत भवन बने मुश्किल से 6-7 महीना हुआ होगा, नहीं तो यहाँ पे पूरा खुला था। जो सामने आप लोग मतलब जहाँ पे पंचायत भवन बना तो वहाँ पे पहले हमारी गाय बांधी जाती थी, और बहुत अच्छी यहाँ से हवा आती थी, मतलब अगल बगल के भी लोग ना सब आके यहाँ पे बैठते थे, क्योंकि ये गेट खुलने पे काफी अच्छी हवा आती थी। तो देखिए प्रिंसी भी आके खड़ी हुई, क्योंकि गेट मैं हमेशा नहीं खोलती हूँ, अच्छा नहीं लगता, पीछे सब रहते हैं ना तो नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं गेट जल्दी नहीं खोलती हूँ। अकेले रहते ना कोई, जैसे मम्मी लोग बैठी रहती तो भले कभी कभी खुल जाता ना, तो अक्सर तो ये गेट बंद ही रहता जब खुलता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ का सब काम हो गया, तो यहाँ पे जो कपड़ा था इसे मैं रख दे रही सीढ़ी पर, यहाँ का भी मैं अच्छे से साफ उफ कर लूंगी। यहाँ पे गेहूं भी जो मम्मी सब डब्बा में भरी थी ना, तो उसे भी मैं यहाँ सीढ़ी के नीचे अच्छे से सरिया के रख दूंगी। बाकी यहाँ का मैं जो भी वॉशिंग मशीन है इसे पोछ होछ के इस पे भी कपड़ा डाल दूंगी, और जो सिवान प्रिंसी का कपड़ा था इसी मशीन में डाल दूंगी, क्योंकि अभी इसे कल ही धोऊंगी। और देखिए इस पे हल्का सा जैसे सफेद सफेद दाग लग रहा था इसे भी पोछ के और फिर इसे ढक दी हूँ, और फिर मैं जाऊंगी छत पे कपड़ा डालने। तो देखिए यहाँ पे मैं आ गई छत पे कपड़ा डालने, मेरा चावल बन गया और वही आलू थी ना तो उसी सब्जी में छौंक के, जब तक मैं कपड़ा वपड़ा डालूंगी तो मेरी सब्जी भी अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ से जाने के बाद फिर मैं रोटी सेक दूंगी, फिर निकाल दूंगी सबको खाना। और मम्मी भी अभी उनका थोड़ा सा गेहूँ और रह गया था, लास्ट का गेहूँ थोड़ा सा रह गया था ना, उसमें बहुत कंकड़ था, तो मम्मी वही बैठ के बीन रही थी। और आज इतना सारा काम के आगे ना मम्मी के पास भी नहीं पहुँच पाई, नहीं तो थोड़ा बहुत गेहूँ मैं अभी बीन देती थी तो जल्दी हो जाता था। तो यहाँ पे देखिए बस मैं बड़ा बड़ा कपड़ा डाल थी, यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी से मैं पूछी कि दो थोड़ा सा मैं भी बीन दूँ, तो मम्मी कहीं नहीं रहने दो, हो गया है पूरा, जाओ तुम रोटी सेको। तो मैं जा रही हूँ रोटी सेकने, सब लोग खाना पीना खाएंगे। तो यहाँ पे खाना पीना सब खाओ चुके, तो यहाँ पे एक दो घंटा हो गया होगा कपड़ा डालने, कहीं जाऊँ सब कपड़ा लेते हैं, क्योंकि धूप ना इतनी तेज है कि मैं चप्पल पहन के आई थी, इतना तेज पैर यहाँ पे जल रहा था कि पूछो मत। तो सब खाना वाना खाने के बाद करीब 2 बजे करीब मैं आ गई थी सब कपड़ा उपड़ा लेने, तो कपड़ा तो मेरा सब सूख गया, तो देखिए 2-4 कपड़ा नीचे भी गिर गया, तो उसे भी सब उठा लूँ, क्योंकि हवा भी चल रही है यहाँ पर और धूप आप लोग देखते हैं कितनी तेज धूप है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी सारा कपड़ा रख दूँ, क्योंकि अभी कपड़ा बहुत गर्म है, तो इसे अभी फोल्ड नहीं करूँगी, इसे अब शाम को फोल्ड करूँगी। और जो फ्रिज का कवर है ना तो इसे फ्रिज पर मैं डाल दूंगी, इस मेरा काम रहता है कि जो रहे बस तुरंत करके हटा दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप सबसे अगले वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।